यूपी में सत्ता में परिवर्तन हुए भले ही 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया हो, लेकिन पूर्व की अखिलेश सरकार का गुणगान अभी भी जारी है। इन दिनों नेपाल के कैफ़एम पर भोजपुरी गानों के जरिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गुणगान किया जा रहा है और बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की जा रही है। नेपाली एफएम रेडियो पर चल रहे भोजपुरी गाने लोगों के बीच खासा लोकप्रिय भी हो रहे हैं और इन गानों को जमकर सुना जा रहा है। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव के लिए बज रहे गाने चुनाव को प्रभावित करेंगे। उनकी नीतियाँ तो अच्छी है, जितना काम अखिलेश ने किया है उतना आज तक कोई किया नहीं। जी जी जी, ये तो हम लोगों को उसी खबर से तो मालूम होता है, हम लोगों तक पहुँचता है कि जो गाना आता है उसी से हम लोग जानकारी हम लोगों का मिलता है कि अखिलेश क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। क्या लगता है मतदाता प्रभावित होंगे आगामी चुनाव में इस गाने को लेकर? बिल्कुल प्रभावित होंगे, जनाधार भी बढ़ेगा। अच्छा जी, मतलब जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसमें लोग इस गाने को सुन के अखिलेश की तरफ झुकेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो इसकी जांच करवाएंगे। सर, पर असर पड़ रहा है इस प्रचार का, 11 किलोमीटर तक आपके इंडिया में आपने बताया है और इसको प्रहार है सर कि रामलला हम जाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तारीफ नहीं बताएंगे, 15 लाख रुपए कभी नहीं आएंगे, इस तरह के सुटीले प्रहार हो रहे हैं। ये जो भी ऐसा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं यहाँ जिले के अधिकारियों को बताऊंगा जरा इसकी जानकारी करके। वहीं बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह ने रेडियो पर बज रहे गानों को आतंकी साजिश करार दिया है। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि सीएम योगी के खिलाफ साजिश की जा रही है, इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उत्तर प्रदेश से पलायित हो चुके हैं, अब वो भारत नेपाल की सीमा पर किसी भी देश में भाजपा के खिलाफ, संतों के खिलाफ, चूंकि आपने सुना होगा कि आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नाम योगी लिया जा रहा है, योगी जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पक्ष में भारत नेपाल सीमा पर किसी प्रायोजित तरीके से चैनल के द्वारा एक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें ISI का भी नेटवर्क है, आतंकवादियों का नेटवर्क है, और इस ISI और आतंकवादियों का नेटवर्क अखिलेश यादव के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की काफी आबादी है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम के लिए हो रहा गुणगान सत्ताधारी दल के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट।